पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बीजेपी कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कहा, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिला है। 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन होने के लिए सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। शर्मा ने कहा कि देश में कई किसान नेता हुए हैं, लेकिन 70 सालों में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है वह ऐतिहासिक है। वहीं मुरलीधर राव का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी 50% से ज्यादा वोट शेयर के लिए काम करेगी। जो चर्चा होती है किसान नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी कहने को तो किसान नेता हुए, कई किसान नेता देश के अंदर हुए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 सालों में कृषि और किसान कल्याण के लिए जो काम किए हैं उसका उल्लेख भी राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष तौर पर किया है कि उनके कार्य आजादी के 70 सालों में किसी ने नहीं किए। आजादी के बाद जिन पर लगातार देश के अंदर चर्चाएं होती रही, चाहे धारा 370 का इश्यू होगा, राम मंदिर के निर्माण की बात होगी, ट्रिपल तलाक का विषय होगा, या फिर नागरिकता संशोधन कानून की बात जहां पर रही होगी, इन सारे बातों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो ऐतिहासिक कदम और इन मुद्दों पर एक निर्णायक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिशा देश के अंदर तय हुई, इस पर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी प्रभारी पी मुरली